दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन सरिमा। आज हम डिस्कस करेंगे कि टीएस और पीएच डायग्राम ऑफ आइडियल वेपर कंप्रेशन साइकिल की कैसे बनाएंगे हम, मतलब वो किस तरह ड्रॉ होती है, इसमें जो स्टेट और प्रोसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट में क्या डिफरेंस है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। स्टेट होती है हमारे पास, बचपन से हम ये पढ़ते जा रहे हैं कि जो स्टेट है, जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, कोई भी सब्सटेंस, उसकी स्टेट क्या है, तो वो स्टेट क्या होती है, सॉलिड, लिक्विड, वेपर, ये सारा ही स्टेट कहलाती है। और प्रोसेस क्या होता है कि अगर कोई सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टी है, कोई भी प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, तो वो चीज़ कहलाएगी कोई प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से उसकी प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है। तो दोस्तों, ये जो वन है ये शो कर रहा है स्टेट को, टू है ये शो कर रहा है स्टेट को, थ्री है, फोर है, ये सारे स्टेट को शो कर रहे हैं कि यहाँ पर फ्लूड का स्टेट क्या है, यहाँ पर फ्लूड किस हालत में, टू में किस हालत में, थ्री और फोर में किस हालत में वहाँ पर फ्लूड, और वन से टू के दरमियान ये एक प्रोसेस हो रहा है, टू से थ्री के दरमियान ये एक प्रोसेस हो रहा है, थ्री से लेकर फोर के दरमियान एक प्रोसेस हो रहा है, वो गैस चाहे कंप्रेस हो रही है, वो कंडेंस हो रही है, कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है। तो स्टेट और प्रोसेस में ये डिफरेंस है, स्टेट एक पॉइंट को कहते हैं, ये एक पॉइंट है, और प्रोसेस एक जगह वगैरह जहाँ पर कोई चीज़ अपनी चेंज कर रही है, या तो अपनी स्टेट हो सकता है चेंज कर रही हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी चेंज कर रही हो, तो वो चीज़ कहलाती है हमारे पास प्रोसेस, क्यों प्रोसेस हो रहा है। दोस्तों, ये जो पीएच और टीएस डायग्राम में ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये जो ब्लू कलर की इस तरह लाइन है, इसको डोम कहते हैं। डोम के लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब इस रीजन में, ये चीज कहलाती है हमारे पास सब कूल रीजन। डोम के ऊपर, इस डोम के ऊपर कहलाएगा हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड। डोम के अंदर ये कहलाएगा हमारे पास मिक्सचर है लिक्विड और वेपर का। डोम के ऊपर, इस डोम के ऊपर, ये जो डोम के ऊपर अगर कोई चीज लाई कर रही है, वो डोम के ऊपर क्या कहलाएगा हमारे पास, सैचुरेटेड वेपर। और डोम के राइट साइड पे, इस वाली पूरी साइड पे क्या कहलाएगा हमारे पास, प्योर वेपर या सुपर हीटेड वेपर, बिल्कुल वेपर है वो, वेपर फॉर्म में। इसी तरह हमारे पास पीएच डायग्राम में भी यही होता है। और ये जो पीएच डायग्राम में डोम के लेफ्ट साइड पे वही सेम केस है, डोम के लेफ्ट साइड पे सब कूल्ड लिक्विड, डोम के ऊपर सैचुरेटेड लिक्विड, डोम के अंदर लिक्विड और वेपर का मिक्सचर, डोम के यहाँ पर, इस यहाँ पर, इसके ऊपर ये कहलाएगा सैचुरेटेड वेपर, डोम के राइट साइड पे ये कहलाएगा हमारे पास सुपर हीटेड। तो आइए दोस्तों, इसको देखते हैं कि ये जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, इसको हमने टीएस और पीएच डायग्राम में किस तरह ड्रॉ कर दिया। कंप्रेसर का जो इनलेट है, आप इससे पहले हमेशा याद रखिएगा, ये जो कंप्रेसर का जो इनलेट है, उसको हम हर दफ़ा कोशिश ये करेंगे अपनी आसानी रखने के लिए, एक पैटर्न यूज़ करेंगे कि यार इसको वन, स्टेट नंबर वन बोलेंगे। कंप्रेसर का जो भी इनलेट होगा वो स्टेट नंबर वन है, तो कंप्रेसर का यहाँ पर इनलेट तो हमने क्या बोल दिया, स्टेट नंबर वन। कंप्रेसर का जो आउटलेट है वो स्टेट नंबर टू, और जो कंप्रेसर का आउटलेट है वही कंडेंसर का इनलेट है, तो वो स्टेट टू है। और इसी तरह कंडेंसर का आउटलेट और एक्सपेंशन डिवाइस का इनलेट, ये स्टेट थ्री है, और एक्सपेंशन डिवाइस का आउटलेट और एवोपेटर का इनलेट, ये फोर स्टेट है। और इसी तरह एवोपेटर का आउटलेट और कंप्रेसर का इनलेट स्टेट वन है। तो आइए दोस्तों, इसको डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर हमने इन जो स्टेट्स हैं इनको हमने किस तरह इस टीएस और पीएच डायग्राम में ड्रॉ किया। कंप्रेसर का जो इनलेट है वो इनलेट होता है हमारे पास सैचुरेटेड वेपर फॉर्म में, तो हमने क्या करा, यहाँ पर पॉइंट नंबर वन मार्क कर दिया। और दूसरा स्टेट क्या होता है, दूसरा स्टेट मान लीजिए कहीं पर भी है, वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, कहीं पर भी है, यहाँ पर है, कहीं पर भी, वो है। कंप्रेसर क्या करता है, गैस को कंप्रेस करता है, कंप्रेस करने से गैस क्या होती है, और मतलब गर्म हो जाती है, गर्म होने से उसका टेम्परेचर और क्या होता है, राइज कर जाता है। तो टेम्परेचर राइज करने से क्या होता है, वो सैचुरेटेड वेपर फॉर्म से और सुपर हीट में चला जाता है, सुपर हीटेड फॉर्म में चला जाता है, तो वो सुपर हीटेड फॉर्म में चला गया। और उसके बाद से जब कंडेंसर से निकलता है तो वो किस हालत में होता है, वो होता है हमारे पास सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में, तो सैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे हमने ड्रॉ कर दिया। और चौथा जो है, वो चौथा क्या होता है, एक्सपेंशन डिवाइस से जब निकल रहा होता है तो वो दोनों का मिक्सचर होता है, लिक्विड और
वेपर का मिक्सचर होता है, तो हमने बीच में इसको शो कर दिया 4 वाले डॉट को। तो आइए दोस्तों इसके प्रोसेस को देखते हैं, ये प्रोसेस क्या कहला रहा है। ये जो 1 से लेकर 2 के दरमियान हमने जो लाइन ड्रॉ की है, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं। यहाँ पर भी 1 से लेकर 2 को जो लाइन ड्रॉ की है, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं। तो जो 1 से लेकर 2 वाली लाइन जो है, यहाँ से लेकर 1 से लेकर 2 जो लाइन है, 1 से लेकर यहाँ पे 2 जो लाइन है, ये कह रहा है हमारे पास आइसेंट्रोपिक। आइसेंट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि एंट्रोपी सेम है उस वाली लाइन में। ये जो लाइन है, इस वाली लाइन में जो प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को कहते हैं आइसेंट्रोपिक। और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रही है। तो हम इसको कहेंगे कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 1 से लेकर 2 के दरमियान। तो हमने इसको यहाँ नाम दे दिया आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। और 2 से लेकर 3 के दरमियान क्या हो रहा है हमारे पास, जैसे 2 से लेकर 3 है, 2 से लेकर 3 है यहाँ पर, कि हीट जो है वो रिजेक्ट करवाता है आउटसाइड। ये अपनी हीट लॉस कर रहा होता है, जो रेफ्रिजरेंट होता है वो अपनी हीट लॉस कर रहा होता है। तो वो लॉस करता है, किसमें लॉस करता है, वो कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। तो कॉन्स्टेंट प्रेशर की लाइन जो है वो ऐसे होती है। अगर आपने बॉयलर वगैरह का टीयर डायग्राम अगर वहाँ पर नहीं बनाई है, तो अब इसको ये समझ लें कि 2 से लेकर 3 जो कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन है, वो टीयर डायग्राम में इस तरह शो करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 2 से लेकर 3 वाली लाइन को इस तरह हमने शो कर दिया। आगे जो 3 से लेकर 4 है, उसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रही है। एक्सपेंशन मतलब गैस एक्सपेंड हो रही है। एक्सपेंशन डिवाइस में प्रेशर ड्रॉप हो रहा होता है, कोई भी रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर ड्रॉप कर रहे थे हम, तो वो क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप कर रहे थे। तो हम क्या हो रहा है यहाँ पर 3 से लेकर 4 में, ये आइसेंथैल्पिक है। आइसेंथैल्पिक मतलब एंथैल्पी सेम है। तो 3 से लेकर 4 के दरमियान क्या हो रहा है, एंथैल्पी सेम है और प्रेशर उसका ड्रॉप हो रहा है। तो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और एंथैल्पी भी क्या, सेम है। तो हमने इस तरह ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, और एंथैल्पी सेम को हम यहाँ पर टीएस डायग्राम में ऐसे शो करते हैं, मतलब यू करके कर। और जो 4 से लेकर 1 वाली लाइन है, 4 से लेकर 1 वाली लाइन क्या है, एवोपेटर है। एवोपेटर क्या करता है, हीट ऐड करवाता है रेफ्रिजरेंट में, रेफ्रिजरेंट की हीट को बढ़ाता है। किससे लेता है वो हीट, एटमॉस्फेयर से लेकर एवोपेटर की हीट बढ़ रही होती है। रेफ्रिजरेंट जो इसमें जो मूव कर रहा होता है एवोपेटर में, उसकी हीट क्या हो रही होती है, बढ़ रही होती है। तो वो हीट ऐड करवा रहा होता है, तो वो हीट ऐड करवाएगा कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और कॉन्स्टेंट प्रेशर पे। तो हम कहेंगे आइसोथर्मल हीट एडिशन। ये जो हीट, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर सेम है, तो आइसोथर्मल हीट एडिशन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। देखिए प्रेशर भी कॉन्स्टेंट है और हीट क्या हो रही है, इसमें ऐड हो रही है। तो दोस्तों इस तरह हम पीएच और ये जो पीएच है और टीएस डायग्राम, इस तरह हमने इसको पढ़ लिया। इसके प्रोसेस को एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं कि 1 से लेकर 2 के दरमियान कौन सा प्रोसेस हो रहा था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। कंप्रेसर था 1 से लेकर 2 के दरमियान, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन 1 से लेकर 2। 2 से लेकर 3 में क्या है, हीट रिएक्शन एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। 2 से लेकर 3 में हीट रिजेक्ट कर रहा है, कंडेंसर क्या करता है, एटमॉस्फेयर से हीट रिजेक्ट करवाता है। और किसके कहाँ पे करवा रहा है, वो कांस्टेंट प्रेशर पे करवा रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन हमने टीएस डायग्राम में इस तरह ड्रॉ कर दी, और टीएस डायग्राम में कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन ऐसे होती है। उसके बाद हमारे पास है आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन और सैचुरेटेड लिक्विड, मतलब जो एंथैल्पी कांस्टेंट है और क्या हो रहा है हमारे पास, प्रेशर भी ड्रॉप हो रहा है। एक्सपेंशन मतलब प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, कोई भी वेपर है या कोई भी लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर हमें ड्रॉप करना था, तो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और आइसेंथैल्पिक है। तो यहाँ पर पीएच डायग्राम में हमने तो एंथैल्पी की लाइन तो सीधी शो कर दी, मगर टीएस डायग्राम में कैसे शो करते थे, यूं टेढ़ी करके, इंक्लाइन करके, ऐसे हमने शो कर दी इसको। और 4 से लेकर 1 में क्या है, आइसोथर्मल एडिशन ऑफ हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हम क्या कर रहे हैं, हीट को ऐड करवा रहे हैं एवोपेटर में। 4 से लेकर 1 में क्या है, हीट ऐड करवा रहे हैं एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट है, ये देखिए T4, जो यहाँ पर टेम्परेचर है वो यहाँ पर है, जो यहाँ पर प्रेशर है वो यहाँ पर है। कॉन्स्टेंट प्रेशर में हम हीट ऐड करवा रहे हैं, कॉन्स्टेंट प्रेशर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर में हम क्या कर रहे हैं, हीट ऐड करवा रहे हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि लेटेंट हीट और जो सेंसिबल हीट होती है वो क्या है। देखिए लेटेंट हीट क्या होती है, कोई भी स्टेट चेंज करवाने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो लेटेंट हीट है। मतलब अगर कोई सब्सटेंस हमारा लिक्विड में है, उसको हमें चेंज करना है वेपर फॉर्म में, जैसे वाटर है आपको करना है बॉयल, आपने क्या कर दिया, बर्नर के ऊपर रखा और उसको बर्नर को ऑन कर दिया। अब वो कितनी हीट ले रहा है उसको वेपर में चेंज करने के लिए, बॉयल होने में, जो वाटर है उसको स्टीम में कन्वर्ट होने में कितनी हीट उसको रिक्वायर्ड है, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, लेटेंट हीट। और एक और होती है हमारे पास सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट क्या होती है, टेम्परेचर राइज करने के लिए, मतलब एक फ्लूड है जैसे वाटर है, उसका टेम्परेचर क्या है 20 डिग्री, आपने उसको हीट दी और हीट देने के बाद से उसका टेम्परेचर हो गया 60 डिग्री। तो जो आपने जो टेम्परेचर राइज करा, आपने भी उसकी स्टेट चेंज नहीं की, स्टेट वही है, और स्टेट होने वही होने की वजह से उसका जो टेम्परेचर राइज हो गया,
तो वो हीट क्या ला दी हमारे पास, सेंसेबल हीट।